आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, मंजिल प्राप्त करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ माला और माला ब्लॉग्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रोज की तरह सबसे पहले मैं करती हूँ अपने किचन की साफ सफाई। तो फ्रेंड्स, जब आप हार मानना चाहते हैं ना, तो याद रखना कि आपने जिस चीज़ की शुरुआत करी है ना, उसको ज़रूर याद कर लेना कि आपने इस चीज़ की शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम लग जाते हैं ना, और बीच में हमारा कभी कभार मन बहुत डगडगाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, जब कुछ रिज़ल्ट हासिल नहीं होता है, तो उस टाइम हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपने शुरुआत किस लिए की थी। बस उससे क्या होगा कि आपकी जो रुके हुए रुकावट थी, आपको जो रोक रही थी चीज़ें, वो आपके सामने से बिल्कुल हट जाएगी और आप दोबारा से मोटिवेट हो जाओगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सुबह मैंने अपना गर्म पानी भी पी लिया है और रोज़ की तरह मैंने अब साफ़ सफ़ाई करनी शुरू कर दी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मॉर्निंग में ही हम साफ़ सफ़ाई कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लेडीज़ों के लिए आसान हो जाता है, दिन के अंदर टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा देखिए अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह अपना घर साफ़ हो जाए तो अच्छी सी पॉजिटिव जो एनर्जी होती है ना, हमारे घर में अलग से ही नज़र आने लगती है। एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड, सुबह जल्दी उठ के देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आज ये जो मेरा सूट है, दो हफ्ते पहले इतना टाइट था और ये देखिए दो हफ्ते के बाद कितना लूज़ हो गया है। देखिए, ये मेरा ना रिज़ल्ट है मेहनत का, जो एक्सरसाइज और मैं डाइट ले रही है ना, उसका रिज़ल्ट है, जिसको मुझे देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अपने आप को ना मोटिवेट करते रहना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने शुरुआत करी है, बस उसकी ओर बढ़ते ही जाना है। कुछ भी हो, आपको रुकना नहीं है, अपनी मंजिल को पाना ही है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, डेली की तरह मैं भी अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो आपको भी कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि हमारे सामने जब नया अपना घर का खाना आता है, पूरी समोसे आते हैं ना, तो हमारा मन भी कभी कभार बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। लेकिन क्या है कि आपको बस अपने लक्ष्य को याद करना है कि आपने शुरुआत क्यों करी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे जो रुकावटें पैदा करती है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये बिल्कुल भी आपके मन के अंदर बैठेगी नहीं और आपके सोचने पर भी नहीं आएगी। देखना फ्रेंड्स, एक बार ऐसे करके देखना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो फ्रेंड्स मेरा 84 kg वेट था, तो धीरे धीरे देखिए 77 से भी नीचे आता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं करती हूँ योगा, तो फ्रेंड्स इजी वाले योगा ही करती हूँ। इससे क्या होता है कि देखिए, एक्सरसाइज करने से तो आपकी जो बाहर की बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो कम होता है, लेकिन जब हम योगा करते हैं ना साथ साथ, तो हमारे जो चेहरे के ऊपर है ना, एक अलग सा ही तेज और एक अलग सी ही चमक आ जाती है और मन भी बिल्कुल शांत रहता है। आपकी जो क्रोध करने की, गुस्सा करने की जो चीज़ें होती हैं ना, पहले अब मुझे भी बहुत ज़्यादा आता था, तो लेकिन योगा करने से वो धीरे धीरे सारा ख़त्म हो जाता है। तो योगा कर जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज योगा मैंने कर ली है, मैं बस 20 मिनट्स ही करती हूँ और इसके बाद मैं पीती हूँ 5 से 10 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर जीरा, और यहाँ पर आज मैंने अजवाइन का पानी बनाया था, तो इसे मैं पीती हूँ। तो ड्रिंक, कोई भी फैट कटर ड्रिंक आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, आधे घंटे के बाद मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपनी पाठ पूजा। तो पाठ पूजा भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। एक ईश्वर ही है जो हमारा, जब हम अकेले होते हैं ना, तो वही साथ देता है। सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन ईश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो उसके हमेशा ही हमें याद रखना चाहिए अपने जीवन में, उसको कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह मैं किचन में कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। तो देखिए किचन की भी मैं करती हूँ पूजा, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने रात को ही हरड़ और चने की दाल भिगो दी थी, तो आज मैं बनाऊँगी सबके लिए दाल चावल। तो यहाँ पर एक टिप मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दाल उबाली है, इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी
नहीं डाला है तो इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो दाल में से ये झाग सा निकलता ना, ये थायराइड बढ़ाने का सबसे जो है मेन कारण होता है। तो इस तरीके से जब भी आप दाल बनाए ना, तो इसमें से जो ये झाग होते हैं फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी हटा देना है, बिल्कुल साफ़ कर देना है, क्योंकि यही कई बीमारियों का कारण होता है। अब फ्रेंड्स नॉर्मल जैसे दाल बनाते हैं, मैं वैसे ही दाल बना दूँगी। इसके अंदर मसाले, हरी मिर्च वगैरह और ये साबुत खड़े मसाले में डाल दूँगी इस तरीके से, देखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये कद्दू का चकुंदर कर लिया था, इसमें से आधा पोर्शन में निकाल कर रख रही हूँ। दिन के अंदर मैं मक्के की रोटी बनाऊँगी इसकी, और आधा जो चकुंदर है ना उसकी मैं आज बनाने वाली हूँ स्मूथी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आधे चकुंदर को मिक्सी के अंदर डाल दिया है, और फ्रेंड्स बहुत ईजी बनता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसमें डाली मैंने छोटी सी अदरक और एक पुदीने की कुछ लीव्स, और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही, और देखिए काला नमक और नमक। फ्रेंड्स और कुछ नहीं करना, बस इसको अब अच्छे से पीस लेना है थोड़ा सा पानी डालकर, तो ये बिल्कुल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है ना, क्या देखिए मेरे को काफ़ी देर हो गई थी और खाली 2 ही ड्रिंक पिए थे मैंने, गर्म पानी और जीरे का पानी। अब मुझे भूख लगी आई है और बच्चे अभी सो रहे हैं, सब हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो देखिए नाश्ता मैं बाद में करूँगी अगर भूख लगेगी तो। अभी मैं ये स्मूथी ही पीऊँगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैं पी रही हूँ, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो एक बार इसको आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब बच्चे जग गए हैं और उनका बना दिया है, मैंने हस्बैंड का बना दिया है ये नाश्ता। और ये देखिए छोटे वाले बेटे को ब्रेड पसंद नहीं है, तो यहाँ पर उसके लिए बना रही हूँ मैं परांठा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर ये दाल भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो ये अपने लिए मैं दाल निकाल लेती हूँ बिना फ्राई किए हुए, तो ये जिसको मैं लंच में खाऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर छौंक लगा देती हूँ दाल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार इस तरीके से बना के देखना। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर दाल बन गई है, इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और धनिया। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये अब लंच में भी लेके जाएंगे, तो यहाँ पर दाल बन गई है। अब इसके साथ साथ मैं बना लेती हूँ यहाँ पर चावल। तो चावल की रेसिपी मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि नॉर्मल चावल सबको ही बनाने आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो जीरा मैंने पानी पिया था ना अजवाइन का, तो ये यहाँ पर ये मैंने छान कर निकाल लिया है। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो गैस हमारी जल रही है ना, उसके नीचे मैं इसको रख दूंगी, तो ये सूख जाएगा, इसको मैं रीयूज़ कर लूँगी। तो और फ्रेंड देखिए अब बच गए हैं 10, और यहाँ पर देखिए चावल भी मेरे बनने वाले हैं, और यहाँ पर साथ साथ मैं बर्तन भी अपने धो लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इनका लंच भी पैक कर दिए हैं, बर्तन भी धो दिए हैं, अब मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी अपना नाश्ता, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और लगभग 10:15 का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स सुबह तो मैंने पी थी स्मूथी चुकंदर की, लेकिन अब मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। तो चलिए मैं क्या बनाऊँगी क्या खाऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए नाश्ता। तो यहाँ पर ये आधे घंटे के लिए मैंने सूजी भिगो दी थी। अब फ्रेंड्स इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच के करीब दही, और जितनी भी ये सब्ज़ियाँ काटी है ना, देखिए यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च काटी है, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये डालकर मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आसानी से बन जाती है ये रेसिपी, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया मैंने फ्राई पैन में, और इसको देखिए इस तरीके से डाल देंगे सिंपल सा, और इसके अंदर और कुछ नहीं डालना है हमें। और डालने के बाद ना फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, देखिए मंदी आंच पर ना इसको प्लेट से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ना देखिए इसका बहुत अच्छा कुरकुरा सा बनकर ये चीला सा तैयार हो जाएगा। अब इसको दोबारा से नीचे की साइड से हम सेक लेंगे, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये बनकर हो गया। फ्रेंड्स ये देखिए ये बना लिया है मैंने अपना चीला, देखिए कितना टेस्टी चीला बनता है, बहुत टेस्टी चीला बनता है ये सूजी का। और ये है मेरी आधी कप की चाय। तो सुबह से मुझे ये टाइम हो गया, अब 11 बजने वाले हैं, तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह मैंने स्मूथी पी थी, अब मेरे को ऐसे वीकनेस सी लग रही है थोड़ी सी, और ऐसा थका थका सा शरीर लग रहा है। तो मेरे को लगा, मैं सोच रही थी कि स्मूथी पीने के बाद ही मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है बॉडी में, तो इसलिए देखिए चाय मेरे को हैबिट है चाय पीने की, तो हो सकता है चाय की मुझे आदत है, तो आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो इसलिए मैं अब चाय ले रही हूँ और ये अपना चीला खाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ लंच में, तो इसको भी मुझे क्या है 32 बार ही चबा चबा के खाना है। तो 32 बार चबाने से आपको पता ही है क्या होता है, कि जो हमारे मुँह के अंदर लाल बनती है वो हमारे पेट में जाती है, हमारे फैट को रिड्यूस करने में मदद करती है।
तो चलिए फ्रेंड्स मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मिलते हैं लंच टाइम में। तो फ्रेंड देखिए ये है मेरा लंच। तो ये मैंने बनाई है मक्के और चुकंदर की रोटी। तो चुकंदर जो है मैंने सुबह कद्दूकस कर लिया था और उसकी आधे की मैंने स्मूथी बनाई थी अपने लिए और आधे ही अब मैंने लंच के अंदर रोटी बनाई है इसकी। ये लिया है मैंने सलाद और दही और ये मैंने अपनी जो है बिना फ्राई की हुई दाल सुबह ही निकाली थी। तो ये मैं आज अपना लंच करूँगी। तो फ्रेंड्स इसको भी मुझे 32 बार चबा चबा के खाना है। तो आपको मैं बार बार एक ही बात बताती हूँ कि जो भी खाए आप 32 बार चबा के खाएं। तो फ्रेंड्स दही और जो भी आप खीरा खाते हैं ना प्लीज़ रात को ना खाया करें, क्योंकि उससे है ना कब्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रात को खाना खाते हैं और उसमें दही और खीरा लेते हैं तो बिल्कुल लेना बंद कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ जहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमें 32 बार चबा कर खाना है। आपको कई बार बता चुकी हूँ जब भी वेट लूज़ होगा आपका, जो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आपका वेट लूज़ जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हो, मैं तो लाइव आपको दिखाती हूँ। तो कई वीडियो तो ऐसे बनाकर दिखाते हैं कि वेट लूज़ होने के बाद दिखाते हैं वीडियो बनाकर, लेकिन मैं तो ये आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।